है इतना बदनसीब सफर दफन के लिए, दो गज जमी भी मिल न सकी कुए यार में। बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह थे और उन्हें भी अपने मुल्क भारत में दफन होने के लिए दो गज जमीन हासिल ना हो सकी थी। दुनिया जानती है उन्हें बर्मा में बंधक बनाया गया था और वहीं उनकी मौत हुई थी। जफर बादशाह थे और दुनिया में एक ही जगह ऐसी है जहां बादशाह और फकीर एक से हो जाते हैं, और वो है कब्र। और जिसे कब्र भी नसीब ना हो और जिसका अंतिम संस्कार तक ठीक से ना हो पाए, उससे बदनसीब कौन होगा भला। कहते हैं कि ऐसे लोगों की आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ हुआ था उस दिन। सन 1998 में बड़े भाई साहब का देहांत हुआ था। आसपास में पूछने के बाद एक शमशान के बारे में जानकारी मिली। आकर देखने पर यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल थे, तो उसी जंगल और दलदल में जाना पड़ा। जब खोदने लगे तो घुटने बराबर ही गड्ढा खोदा था कि पानी से गड्ढा भर गया। किसी तरह पानी में ही बॉडी को दफनाना पड़ा। उतने में ही बारिश होने के कारण लोग बाहर से ही निकल गए। मिट्टी डालने के लिए भी लोग नहीं बचे। फिर हम जैसे चार पांच लोग जो रुक गए थे, उनको ही बॉडी को दफनाना पड़ा। ये दर्दनाक बयां अपने ही देश भारत की एक ग्राम पंचायत साल कट्टे की है, और इस कब्र में लेटा शख्स साल कट्टे ग्राम पंचायत के एक गांव मितला कट्टे का है, जिसे दफन होने के लिए दो गज जमीन तक नहीं मिली। साल कट्टे ग्राम पंचायत कर्नाटक में दावणगेरे जिले के हरिहर तालुक में आती है, जिसके अंतर्गत तीन गांव आते हैं, साल कट्टे, मितला कट्टे और सत्यनारायण कैंप। लगभग 5,000 की आबादी वाली इस ग्राम पंचायत को भारत की एक बेहतर और खुशहाल ग्राम पंचायत कहा जा सकता है। यहां 70% से अधिक आबादी भूमिहीन मजदूर वर्ग की है। इसके बावजूद सालकट्टे ग्राम पंचायत ने गांव में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल है, जिसमें बच्चों को सामान्य शिक्षा देने के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान की जाती है। हर घर में पानी की बेहतर सप्लाई गांव के विकास और प्रगति की पहचान है। जिन घरों में पानी का नल नहीं था, उनके लिए भी ग्राम पंचायत ने जगह जगह छोटे छोटे पानी के टैंक लगवाए हुए हैं। गांव के घरों में तो बिजली मौजूद है ही, साथ ही साथ गांव की गलियों में भी रोशनी की व्यवस्था है। ग्राम वासियों को शौचालय की अहमियत बताना और हर घर में उसकी अनिवार्यता के बारे में जागरूक करने में तो सालकट्टे ग्राम पंचायत ने एक बड़ी भूमिका निभाई ही है। साथ ही गांव वालों को शौचालय के निर्माण के लिए जरूरत के अनुसार सरकारी सहायता उपलब्ध कराने में भी ग्राम पंचायत पीछे नहीं रही। जिन लोगों के पास अपने पशुओं के लिए शेड बनाने की गुंजाइश नहीं थी, उनके लिए ग्राम पंचायत ने धन सुविधा उपलब्ध करा, उन्हें अपने पशुओं के लिए पशु गृह बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि ठंड से पशु बीमार ना पड़े। इसके अलावा साफ सुथरे रास्ते और नालियां भी गांव के चहुमुखी विकास की मिसाल हैं, जिसका श्रेय यहां की ग्राम पंचायत सालकट्टे ग्राम पंचायत को ही जाता है। इतनी खुशहाली और सुविधाओं के बावजूद सालकट्टे ग्राम पंचायत के गांव मितला कट्टे की तरक्की और विकास में जैसे एक अधूरापन सा था, और वो अधूरापन था
मरने वालों के अंतिम संस्कार की समस्या। मन मत ऊटक ऊट इसको मन यार मन वासबू अद्न सत्तर व्यक्ति यार मन इटक बर अब श्रेयस अल हांगी अद्न यादे एस्टे आवश्यकते नम मे नम ग्राम केवतो जन बीदल सर बड़ कूली कार्मिको जन इवत आली वासकर चिख चिख मन ईद आर आर कुटुब वासमे अवेल मलगालदे वासमे इन उल्द टाइमेल देवस्थान मुंदे वासमक पर्स्थित स्मशान नमी अवश्य सत्यवश अंत ना। हालांकि गांव के पास शमशान के नाम पर लगभग 2.5 एकड़ भूमि उपलब्ध थी, पर इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी। यहां किसी को दफनाना तो दूर, यहां तक पहुंच पाना ही असल समस्या थी। एक तो पास के खेत वालों ने भी शमशान की बहुत सारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, दूसरे बची हुई जमीन की हालत भी ऐसी न थी कि उसमें मृत व्यक्ति को ठीक से दफन किया जा सके। इसके अलावा यहां उगे कटीले झाड़ झंखाड़ और पास के खेतों से भरने वाले पानी से भी ये शमशान एक तरह से कटीले और दलदली जंगल में बदलता जा रहा था। इसकी हालत लगातार बदतर होती जा रही थी। यहां तक कि लोग अपने मृत रिश्तेदार का अंतिम संस्कार करने के लिए मुश्किल से ही यहां तक पहुंच पाते थे। रिडिप्पा, मालतेश की घटना और लगातार होती ऐसी और घटनाओं ने सालकट्टे ग्राम पंचायत को सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव के लोगों ने मिलकर इस शमशान भूमि को विकसित करने का निर्णय लिया। इरो शमशान डेवलप ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು 2009 ರಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು। ಜೆಸಿಬಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಟ್ರೆಂಚ್ ಹೊಡೆದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ತಡೆದು ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ। ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೈಮನಸ್ಯದಿಂದ ಇದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತ್ತು। ಫಂಡ್ ಕೆ ಅಭಾವ ಮೇ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಕೋ ಹಿ ಕಾಮ್ ಹೋ ಪಾಯಾ ಥಾ। ಕುಚ್ ಸಮಯ ಬಾದ್ ಇಸ್ಕಿ ಹಾಲತ್ ಫಿರ್ ವೈಸಿ ಹಿ ಖರಾಬ್ ಹೋ ಗಯಿ ಥಿ। ಪರ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ ಗಾಂವ್ ವಾಲೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೇ ಭಿ ಇಸ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಕೋ ಸಮಝಾ ಥಾ ಔರ್ ತುರಂತ ಶಮಶಾನ್ ಕೋ ಢಂಗ್ ಸೆ ವಿಕಸಿತ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ನಿರ್ಣಯ ಲಿಯಾ ಗಯಾ। पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर की मदद से लोगों को घर घर जाकर शमशान की समस्या के बारे में बताया गया और उनको इस मुहिम से जुड़ने का आग्रह किया गया। गांव में ग्राम सभा और वार्ड सदस्यों की एक मीटिंग बुलाई गई और उनके समक्ष मितला कट्टे गांव के शमशान के विकास का प्रस्ताव रखा गया। इस संबंध में तहसील में भी एक अर्जी लगा दी गई। ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯನೂ ಇತ್ತು। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕರೆತರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರವೂ ಸಿಕ್ತು। ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಸಹ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿ ಮಾಡಿದರು। ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಸಬ್ ಇತ್ನಾ ಆಸಾನ್ ನಹೀ ಥಾ। ಶಮಶಾನ್ ಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಮೇ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಿ ಅಡಚನ್ ಥೀ ಅತಿಕ್ರಮಣ। ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಬರ್ಬೇಕಂತ್ರಪ್ಪ। अवैध कब्जा करने वालों से जमीन को छुड़ाना बहुत टेढ़ा मसला था। कब्जाई हुई जमीन पर धान की अच्छी खासी फसल हो रही थी और कब्जाधारी भी इसे यूं ही छोड़ देने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अवैध कब्जा हटाने के लिए जिला पंचायत और ग्राम पंचायत पदाधिकारी कब्जाधारियों को समझाने के साथ साथ तहसीलदार से भी इस मसले को सुलझाने का अनुरोध कर रहे थे ताकि शमशान की पैमाइश करा अतिक्रमण करने वाले लोगों से इसको छुड़ाया जा सके। तहसीलदार ने भी इस मसले में पहल कर अवैध कब्जाधारियों को समझाया और शमशान की जमीन से हटने को कहा। ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ಕಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ PDO ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು।
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು 2 ಎಕರೆ 12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹದ್ದು ಬಸ್ತನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಷ್ಟು 2 ಎಕರೆ 12 ಗುಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿದೆ, ಇದು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರೋರನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಈ ಜಮೀನು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿಗೆ ಸೇರಲ್ಪಡಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಂಥ ಜಮೀನು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನೀವು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ. इसके बाद ग्राम पंचायत ने शमशान के पूर्ण विकास की एक रूपरेखा तैयार की और इसके विकास का कार्य मनरेगा के अंतर्गत कराने का निर्णय लिया, ताकि शमशान के विकास में गांव के लोगों को रोजगार का लाभ भी मिल सके. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खात्री कूली पर्स्थिति अली ಗಿಡ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ ಜಂತುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಲಿಕಾರರ ಮನವೊಲಿಸಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಊರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕೂಲಿಕಾರರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು विकास कार्य के लिए ग्राम पंचायत ने 9.5 लाख के बजट का प्रावधान रखा. इस नेक काम के लिए एक स्थानीय महिला स्व सहायता समूह ने भी स्वेच्छापूर्वक 2 लाख रुपए की धनराशि पंचायत को दी. ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸುರಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್. 7 ಅಡಿ ಆಳ ಇತ್ತು ಇದು. 7 ಅಡಿ ಆಳ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ 7 ಅಡಿ ಇತ್ತು, ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಇತ್ತು ಸರ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ದನ ಕರು ಏನಾರು ಮೇಯ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ದನಗಳು ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮನುಷ್ಯರು ನುಗ್ಗೇದಿರಲಿ, ದನಗಳು ಹೋದವು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ತಿರ್ಗಾ ರೋಡ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಎಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹಂಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂತ ಬಂದಿವಿ ಸರ್. ನಾವು ಆ ಅರ್ಥ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಸಾಹಸ ಆಗೋಯಿತು ಸರ್. अपने किसी परिजन की मौत वैसे भी एक बड़ी क्षति होती है, और अगर उनके अंतिम संस्कार के लिए भी जूझना पड़े तो उससे बदतर भला क्या होगा. लेकिन अब यहाँ पहले जैसे हालात नहीं हैं. अब शमशान तक जाने के लिए एक चौड़ा और साफ सुथरा रास्ता है. आसपास के खेतों से भरने वाले पानी की रोकथाम के लिए चारों तरफ गहरी नाली बनाई गई है. इसके अलावा अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए शमशान के चारों तरफ कंटीली तारबंदी की गई है. शमशान को खूबसूरत रूप देने के लिए जगह जगह पेड़ पौधे भी लगवाए गए. इसके अलावा अपने मृत रिश्तेदार को दफनाने आए बुजुर्गों के आराम का ध्यान रखते हुए उनके बैठने के लिए कब्रिस्तान में कुछ बेंचें भी लगवाई गई. शायद ही ऐसी सोच किसी गाँव के शमशान में दिखाई दे. मृतक की आत्मशांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कार्यों के आयोजन के लिए एक छत्र का निर्माण भी कराया गया है. शमशान के बेहतर रखरखाव के लिए भी पंचायत ने एक व्यवस्था लागू की, जिसमें दफनाए जाने वाले मृत व्यक्ति के परिवार से एक मामूली शुल्क वसूल करने का प्रावधान रखा गया है. गांव वालों ने शमशान को आपसी सौहार्द और एकता के प्रतीक के तौर पर गांव के सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए खुला रखा है. गांव में रहने वाले लोग यहां अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर सकते हैं. अंतिम क्रिया के पश्चात क्रिया कर्म करने आए लोगों को स्नान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक बोरवेल भी यहाँ लगवाया गया है. In our block, there is 25 gram panchayats. Out of 25, this Salkatte is a model panchayat. The works taken by the panchayat is model to other panchayats. और इस तरह सालकट्टे ग्राम पंचायत ने अपनी प्रतिबद्धता से अपने पंचायत क्षेत्र में विकास और खुशहाली की अनूठी मिसाल कायम कर दिखाई, जिसके लिए ग्राम पंचायत को पुरस्कृत भी किया गया. ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಊರ ಜನನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್, ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್.
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ನಮಗೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸರ್ ನಾವು ಹುಡ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ತಗೋಣಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ನಮಗೆ. ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಸರ್. ಅವರ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಕಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಸರ್ ನಮಗೆ. ಕರೆದು ಅವರ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು ನಮಗೆ. आज मिथिला कट्टे गांव हर गांव के लिए एक आदर्श बन गया है, तो साल कट्टे ग्राम पंचायत हर पंचायत के लिए एक अनुकरणीय मिसाल बन गई है। साल कट्टे ग्राम पंचायत के एक साधारण ग्राम पंचायत से पुरस्कृत ग्राम पंचायत बनने तक के इस लंबे सफर में शामिल रही है उसकी जिद, उसकी लगन और उसकी सोच कि जाने वाली आखिरी विदाई में कोई बाधा ना रहे। ये सोच थी एहसास की, ये सोच थी प्रयास की, ये सोच थी मौत को सम्मान दिलाने की, ये सोच थी एक नई रिवायत की, ये सोच थी साल कट्टे ग्राम पंचायत की।